हेलो गाइज, मेरा नाम अक्षय, वेलकम बैक टू वर्ड्स में रिव्यू। तो आज के इस वीडियो के दो सेगमेंट होने वाले, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जिम्मा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ, जहाँ पे फिल्म ने अब तक 4.77 करोड़ का बिजनेस किया है एंड ये ऑफिशियल फिगर्स है मेकर्स की तरफ से। ऑनेस्टली ये फिल्म मुझे डिसेंट लगी थी एंड इससे जो कलेक्शन भी रिवील हुए वो भी ठीक ठाक है, मतलब नॉट दैट गुड बट नॉट दैट बैड। इनफैक्ट इससे पहले जितनी भी फिल्में आई थी उनके कलेक्शन के हिसाब से तो ये फिगर्स बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मराठी फिल्मों की सॉलिड लगी पड़ी है एंड इसी के बीच अगर जिम्मा 2 जैसी फिल्म करोड़ों का बिजनेस कर रही है देन हमारे लिए गुड न्यूज ही है। पहले तो फिल्म का ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि फिल्म आराम से 40-50 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ये 15-18 या फिर मैक्स टू मैक्स 20 करोड़ तक ही पहुंचेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एनिमल एंड सैम बहादुर आने वाली है जिनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस एकदम कड़क होने वाला है। अगर मैं इस फिल्म के कलेक्शन को वेड या फिर बाईपन भारी देवा जैसी फिल्मों के साथ कंपेयर करूं देन जिम्मा 2 उनके आसपास भी नहीं है। अब वैसे देखा जाए तो फिल्म को ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, बट एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा की थी क्योंकि जिम्मा 2 एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। आता मराठीत म्हणलं तर जिम्मा 2 ला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि त्याचं मुख्य कारण म्हणजे महिला ऑडियन्स। जेव्हा मी पहिल्या दिवशी या चित्रपट थिएटरमध्ये पाहायला गेलो तेव्हा 70-80% थिएटर फक्त स्त्रियांनी भरलेला होता। अभी हा मराठी फिल्म मेकर्सने फिमेल सेंट्रिक कॉन्टेंट को बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज किया और एक्सप्लोर किया है जिसका उन्हें बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू अच्छा खासा मिला है। बट यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसी कंटेंट को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज लोग इसमें डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। मुझे ना मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक बात जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर एक जॉनर वाली पिक्चर यहाँ पे हिट हो जाती है देन बाकी लोग भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मतलब सैराट ब्लॉकबस्टर हुई तो बाकी लोगों ने भी गाँव खेड़ी मराठी लव स्टोरी बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे 80-90% ऑफ द फिल्म मेकर्स बर्बाद हो गए। पवन खिंड जैसी मराठी हिस्टोरिकल फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी बॉक्स ऑफिस पर तो बाकी लोगों ने भी उसी ट्रेंड फॉलो किया और हिस्टोरिकल फिल्में बनाते गए और बर्बाद होते गए। तो इसलिए मेरी मराठी फिल्म इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज यही गलती अब वापस रिपीट मत करना एंड बार बार फीमेल सेंट्रिक फिल्में मत बनाना। आज के टाइम में कंटेंट बनाने के मामले में मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल है कांतारा चैप्टर 1, जिसका रिसेंटली फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हुआ था एंड वही आज के वीडियो का सेकंड सेगमेंट है। कांतारा के क्लाइमेक्स में ऋषभ शेट्टी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर की थी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इस लेवल के भी एक्टिंग कर सकता है। सिर्फ 1 मिनट 23 सेकंड का ये टीजर है जिसको मैंने 15-20 बार देखा होगा, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई ये ऋषभ शेट्टी है। वॉटर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली टीजर में एक मूवमेंट है जहाँ पे ऋषभ शेट्टी के पूरे लुक को रिवील किया जाता है और उनकी आंखों पे जो फोकस किया, जो एग्रेशन दिखा है, इट वॉज अनबिलीवेबल। इस फिल्म का बजट अराउंड 125 करोड़ है एंड ये पूरा पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट हुआ है और फिल्म के प्रोडक्शन क्वालिटी को देख के साफ पता चल रहा है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कांतारा, KGF और सलार जैसी मूवीज के साथ होमवाले फिल्म सिर्फ साउथ इंडस्ट्री की नहीं बल्कि इंडिया की लीडिंग मूवी प्रोडक्शन हाउस बनने वाली है। कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक टीजर देखिए तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि फिल्म का BGM और प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है, बट यहाँ पे मेकर ने रिलीज डेट अनाउंस नहीं की, यही पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख हुआ। 2024 और 25 में कचरे जैसी पैन इंडिया फिल्में आने वाली है, जहाँ सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और स्पेशली एक्साइटेड हूँ कांतारा चैप्टर 1 के लिए। बाकी आप इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।